सिलेबस के अंदर हमने तकरीबन 30% चेंजेस किए हैं, अगले साल से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ी ट्रेनिंग जिस प्रकार से लाइफ स्किल्स ये सीखना चाहते थे वो हमने नया किया है। थोड़ा कंटेम्प्रेरी ट्रेनिंग हमने कैडेट्स की थोड़ी नहीं करी है। मैप रीडिंग में वो अलग टाइप की ट्रेनिंग करना चाहते थे वो हमने करी है। तो अभी वी आर दिस द इनपुट वी हैव टेकन फ्रॉम कैडेट्स के कौन कौन सी, लेकिन जो हमारा बेसिक सिलेबस है सर्विस सब्जेक्ट्स की को लेके, ड्रिल को लेके नेशनल इंटीग्रेशन कम्युनिटी सर्विस को लेके, उसके अंदर तब्दीली नहीं करी है। ये अगले सेशन से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और जरूरी यह है कि मैं यहाँ देखने के लिए आया था कि सिक्किम में एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, और मैं कैडेट्स को बाकी कैंप्स में मिलता था, आई फाउंड देम वेरी मोटिवेटेड एंड परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो आई एम आज मैं HMI में भी गया और जो हमारे कैडेट्स ट्रेनिंग में थे उनसे मिल के आया। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल्सो विद द मोटिवेशन, आउटस्टैंडिंग both their capability and their motivation. Actually, their motivation motivates us. So as far as potential is concerned, it is outstanding. तो NCC का हमारा main मकसद है कि अपनी training दे करके और अलग अलग तरह से इनको new opportunities दे करके एक देश का अच्छा नागरिक बनाना। तो disciplined life, healthy life, आगे चल के वो कैसे जिए और how to become a responsible citizen of the country, that is our aim. आज इस ये इस टेन्योर के अंदर मेरा दार्जिलिंग इधर और HMI